हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज मोशन अंडर ग्रेविटी का आखिरी लेक्चर है और काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 14 है। ठीक है, इसके बाद हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, आज बेसिकली हमको न्यूमेरिकल्स ही देखने थे। कॉन्सेप्ट तो हमने सारे बता दिए और कुछ कॉन्सेप्ट बच्चों ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल्स कराते समय ही क्लियर किए जाते हैं, तो वो एक दो कॉन्सेप्ट रह गया, जैसे एयर रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन इनक्लाइंड प्लेन, ये सब रह गया है। तो आज इसी क्वेश्चन में कराते कराते आपको मैं कवर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम के लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ये रहा एकदम आसान क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, पढ़िए सवाल पहले आसानी से। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड यू इफ इट इज एट अ सर्टेन हाइट एच। अच्छा, एच की वैल्यू एच मैक्स से कम दी है फॉर टू टाइम्स T1 एंड T2, तो T1 T2 का प्रोडक्ट इनमें से कौन सा होगा। अब ये सब क्वेश्चंस मेरे हिसाब से आपको पॉज करके पहले ट्राई करने चाहिए, तभी इनका मजा यार। ठीक है, तो पॉज करिए और ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद आपको हम बताना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन का पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ इस क्वेश्चन का। कॉन्सेप्ट आप ऐसे देखिए, कॉन्सेप्ट इसका ये, आप बताइए कॉन्सेप्ट देखिए, अगर एक बॉल को मैं मान लीजिए यहां से 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट करता हूं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये बॉल जाएगी और ऐसे लौट कर आएगी। ठीक है, अब जैसे हमसे पूछा जाए कि ये किसी सर्टेन हाइट, मान लो कोई सर्टेन हाइट यहां से ले लेते हैं 5 मीटर, तो 5 मीटर पे जैसे ये ऊपर की तरफ एक बार ये जा रहा होगा वी से, और एक बार यहां पर आ रहा होगा वी से। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सिमेट्री से सेम पोजीशन पर सेम स्पीड होती है, जितनी यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी, और यहाँ पर जब ये लौटेगा तो कितनी होगी बताइए, 20 मीटर पर सेकेंड होगी। लेकिन यहाँ का टाइम अलग अलग होगा, मान लो यहाँ पर ये T1 पर है और यहाँ पर ये T2 पर है। तो जैसे ये मैंने न्यूमेरिकल डाटा से कर दिया, जैसे इसमें कुछ भी पूछ ले, जैसे ये पूछ ले फाइंड T1 प्लस T2 पूछ ले एंड T1 इंटू T2 पूछ ले, ये सब पूछ लेता है इसमें। ठीक है, तो इसमें तो चलो T1 इंटू T2 पूछा, क्वेश्चन यही है। देखो, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड यू, एक बॉल को स्पीड यू से फेंका है। लेकिन पहले मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ कि लेट मैंने 20 मीटर पर सेकंड से बॉल को उछाला। ठीक है, इफ इट इज एट अ सर्टेन हाइट एच, एच की वैल्यू मैंने यहाँ पर कितनी ले ली है, 5 मीटर ले ली है। ओके, 5 मीटर ले ली है। फॉर टू टाइम्स T1 एंड T2, तो T1 T2 पर होगा, एक बार यहाँ पर होगा इसी हाइट पर, एक बार यहाँ पर होगा। तो क्वेश्चंस को करते कैसे जरा सीखो इनको, देखो करते कैसे। अब यार बताइए T1 और T2 पर, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ एट T1 एंड T2, ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज सेम, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं भाई, ध्यान से देखो T1 T2 पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ही तो सेम है भाई, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है भाई, यहाँ पर भी इनिशियल से फाइनल ये होगा और यहाँ पर भी इनिशियल से फाइनल ये होगा, तो डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो इक्वेशन आप यूज कर लो, एस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। प्लीज यार सीखना शुरू करो, यूज कर लीजिए, ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, फेमस क्वेश्चन है। तो पहले मैं एक न्यूमेरिकल डाटा से आपको समझा दे रहा हूँ। ओके, अब बताइए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैं चाहता कहता हूँ 5 चाहता हूँ, 5 लिख दिया, प्लस 5, क्यों, ऊपर के डायरेक्शन को क्या लेने वाला हूँ मैं, पॉजिटिव लेने वाला हूँ, तो प्लस 5 लिख दिया, बराबर यू। यू बताइए कितना होगा, 20, और टी प्लस हाफ, और ये आ जाएगा जी माइनस, नीचे लगेगा क्यों, जी ऊपर जाएगा तो पार्टिकल में नीचे लग रहा होगा, इंटू टी का स्क्वायर। क्लियर हो गया, तो ये आ जाता है मेरे हिसाब से 1 इक्वल टू 5 से इसको डिवाइड कर दो, 4t माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा, 5 बनेगा, 5 कैंसिल आउट हो गया, तो इधर इसको ले आओ तो ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, इतना उतार लो जरा, इतना उतार लीजिए आप।
इतना उतार लीजिए। ठीक है, इतना क्लियर कर लिया। अब देखिए जरा, अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब एक बात बताइए, इतना मैथमेटिक्स में पढ़ते होगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, इसके दो रूट होते थे, कौन कौन से? एक्स वन एंड एक्स टू। तो एक्स वन इंटू एक्स टू का प्रोडक्ट क्या होता था बताइए, या सम ऑफ रूट्स क्या होता था? सम ऑफ रूट्स होता था एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर क्या होता था बताइए, क्या होता था बताइए इसको। ठीक है, जरा बताइए, अपने आप लिखिए इसको, अपने आप लिखिए आप लोग। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। अब यार यहाँ पे जो बी बी का कम एक टी स्क्वायर का कोफिशिएंट बने और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बताइए, सी वन। तो यहाँ पर टी वन प्लस टी टू की वैल्यू फोर आ जाएगी और टी वन इंटू टी टू की वैल्यू टी वन इंटू टी टू की वैल्यू वन आ जाएगी। एक बात और इसमें पूछी जाती है, टाइम ऑफ फ्लैट कितना होगा? चलिए मैं समझा देता हूँ। अब देखिए, आपको ये पता लग गया कि टी वन प्लस टी टू की जो वैल्यू आ गई वो फोर आ गई, टी वन प्लस टी टू की वैल्यू फोर आ गई। ध्यान से सुनना, ये आ गई फोर सेकेंड। मैं आपको बता दूँ, देखिए मैंने आपको बताया था ये, देखिए यार इसका मतलब यही तो हुआ, जैसे बॉल यहाँ से ये गई, ध्यान से सुन लीजिए, यहां तक पहुंचने में इसको टी वन लगा। दूसरा सुनिए 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 सुनिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यही फिजिक्स है। अगर शुरुआत में ऐसी आदत लग गई पढ़ने की तो कभी दिक्कत ही नहीं होगी। तो यहां तक पहुंचने में, से ये ए था मान लो बी और ये सी और ये बी, और बताइए यहां से देखो ये 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 और ये समय कितना लगा? टी टू लगा। भाई यही तो कह रहा है कि यहां से भाई T1 और T2 पर है, तो यहाँ से ही तो टाइम T इक्वल टू जीरो काउंट हुआ होगा, तो T इक्वल टू जीरो यहाँ से काउंट हुआ होगा, तो T1 पे यहाँ पर और T2 पर यहाँ पर है, तो T1 पे यहाँ पर और T2 पे यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने में T1 और ये टाइम T2, ये टाइम T2। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये T1 लगेगा तो ये लौटने में भी तो T1 लगेगा, तो ये भी समय कितना लग जाएगा? T1। तो अब बताइए जो टाइम ऑफ फ्लैट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? देखिए टाइम ऑफ फ्लैट होगा ये पूरा समय, इस घटना को यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगा? ठीक है, तो बताइए ये कितना लगा यहाँ तक? T2 और ये T1, तो ये आ जाएगा T1 प्लस T2। तो इससे टाइम ऑफ फ्लैट भी निकल आता है, एक अच्छा क्वेश्चन है। ये सब कंसेप्ट यार न्यूमेरिकल्स में ही डिस्कशन पॉसिबल है, थ्योरी में बताने का कोई फायदा नहीं होता इनका। फंडा क्लियर हो गया? तो बताइए इसका टाइम ऑफ फ्लैट कितना आ जाएगा? चार सेकेंड आ जाएगा। हाँ, अगर आपको एग्जैक्ट बताना है कि सर T1 की पोजीशन बताइए, तो फिर यार वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी जो अभी हमने की थी। वो क्वाड्रेटिक क्या बनी थी जरा बताओ? क्वाड्रेटिक थी शायद टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस वन इक्वल टू जीरो। अगर आपको यही बताना है, टी वन की वैल्यू बताओ, तो यहाँ से टी की दो वैल्यू आएंगी, टी इक्वल टू बताइए इस क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन क्या होते हैं? ये जो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो इसमें x होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, यही तो होता है। तो यहाँ पर t की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ माइनस फोर प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर बोले तो 16 और माइनस फोर इंटू वन अपॉन टू ए, ए बोले तो 1। तो जो t आ जाएगा ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 12 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो t इक्वल टू इसको डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 3। ठीक, तो यहाँ से दो सॉल्यूशन आ जाएंगे इसके, t1 इक्वल टू, अब देखिए t1 इसमें से कौन सा वाला लेंगे? पहला सॉल्यूशन लेंगे, जो छोटे वाला होगा वो लेंगे, क्योंकि जल्दी यहाँ पर पहुँचा होगा और बाद में यहाँ पर पहुँचा होगा, तो छोटा क्या लिखा जाएगा बताइए? 2 माइनस रूट 3 सेकेंड लिखा जाएगा, और बड़ा क्या लिखा जाएगा बताइए?
वो लिखा जाएगा 2 + √3 सेकेंड लिखा जाएगा, ये बाद वाला समय होगा। तो T1 T2 ये टाइम इंस्टेंट होंगे जब पार्टिकल एक बार यहाँ होगा और एक बार यहाँ होगा। अब मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मैंने आपको डिटेल बेसिक डिस्कस कर दिया, ठीक है, डिटेल डिस्कस कर दिया मैंने इसको कैसे करना है इसको। ठीक, अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसमें क्या कह रहा था, देखिए कुछ है ही नहीं, यहाँ से आपने U से उछाला तो रास्ता तो यही होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं, ये भी क्लियर है, U से गिराएगा। अब देखिए ये तो H मैक्स होगा, इसका H मैक्स हो जाएगा, सब पढ़ा चुके हैं, U²/2g। लेकिन एक पर्टिकुलर हाइट मान लो ये है, ये अब यहाँ पर दो टाइम पर होगा, एक तो T1 पर होगा और एक T2 पर होगा। हाँ, एक बार ऊपर जा रहा होगा और एक बार नीचे आ रहा होगा। अब ये बताना है कि T1 T2 का प्रोडक्ट क्या होगा, सम भी पूछ सकता है, T1 T2 भी पूछ सकता है। क्या मैंने तीनों के तीनों डिस्कस कर दिए बिना किसी टेंशन दिए, ठीक है। तो आप बताइए ऊपर के डायरेक्शन को क्या ले लो, बताइए पॉजिटिव, जी किधर लग रहा होगा, नीचे। तो मैंने आपको बताया, बताइए अगर ये पोजीशन ए है, इसको बी कह दो, इसको सी कह दो, तो बताइए बी और सी पर क्या खास बात है, बी और सी पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम है, ठीक। तो एट T1 एंड T2 लिख दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज सेम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज सेम, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम है। और अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम है तो आप इक्वेशन यूज कर दो, एस इक्वल टू UT + ½ AT²। क्लियर, अब बताइए ये अगर इनिशियल है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, प्लस एच ऊपर की तरफ UT, ठीक, प्लस हाफ ए की जगह माइनस जी और टी का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा एच इक्वल टू UT - ½ GT²। ये क्वाड्रेटिक बनी फिर से, तो आप इसको इधर ले लो, तो यह आ जाएगा GT²-2UT+2H=0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, धन्यवाद बेटा। यार एक चाय करा सकते हो क्या, एक चाय करवा दो, मीठी मल्लाना है। ये बेटा क्वाड्रेटिक आ गई, तो इसी से T1 + T2 निकलेगा, इसी से T1 × T2 निकलेगा, इससे इसी से जरूरत पड़ी तो T1 और T2 भी निकलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो हमसे पूछा था वो कर देते हैं, तो इसको हटा दें यहाँ से, कहीं भी हटा लो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, GT²-2UT+2H=0। तो T1 + T2 सम ऑफ रूट्स, और आपको बता दिया ये टाइम ऑफ फ्लैट के बराबर होता है, और इसका फॉर्मूला होता है -(-2UIG), ठीक। तो टाइम ऑफ फ्लैट अगर होगा तो 2UIG होगा, होता भी था, याद करो, अगर कोई पार्टिकल आपने U की स्पीड से उछाला है तो उसको वापस आने में समय कितना लगता था, 2U/g, याद है ना, सब बता चुका हूँ। और प्रोडक्ट ऑफ रूट बताइए कितना होगा, इसका C/g ये होता था, तो ये हो जाएगा 2H/g। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, 2H/g, बी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। क्लियर हो गया सवाल, क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ें, एकदम आसानी से डिस्कस कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए सवाल फिर से। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर से ड्रॉप किया गया है। जब भी ड्रॉप का मतलब क्या होता है बता चुका हूं, या ड्रॉप का मतलब क्या होता है, ड्रॉप का मतलब क्या होता है बताइए, या ड्रॉप का मतलब होता है उसको रेस्ट से छोड़ा गया, ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, द डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन द लास्ट सेकेंड, आखिरी के सेकेंड में, इज इक्वल टू दैट कवर्ड बाई इट इन द फर्स्ट 3 सेकेंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन क्लियर किया, देखिए सवाल क्या है, सवाल ये है बेटा, मान लीजिए ये हाइट है टावर की, ये
ये एच है, एच ले लो, स्मॉल एच ले लो, स्मॉल एच ले लो, यहां से ड्रॉप किया गया है। टी ड्रॉप का मतलब यू इक्वल टू जीरो, ये पार्टिकल भ्रमणा था वो यहां जाएगा। अब देखो पहले तीन सेकंड में मान लो टी इक्वल टू थ्री सेकंड ये आ गया, तो यहाँ पर वन सेकंड टू सेकंड ऐसे रहा होगा। हमें पता तो है कि ये अगर एक्स चलता है तो ये कितना चलेगा, थ्री एक्स, तो ये कितना चलेगा बताइए, फाइव एक्स, ये सब तो पता ही है। और आखिरी में लास्ट सेकंड मान लो ये है, तो लास्ट सेकंड होगा एन माइनस वन सेकेंड से लेके एन सेकेंड, ये हो गया तुम्हारा लास्ट सेकेंड। अब यहाँ पर जो भी चलेगा बताइए, मान लो एच डैश चला, एच डैश चला, ठीक, तो बताइए हमें पता है लास्ट सेकंड का एस एन का फॉर्मूला क्या होता था, बताइए यू प्लस टू एन माइनस वन और ए बाई टू ये होता था। अब यहाँ पर बताइए एस एन इक्वल टू हमने क्या माना है, एच डैश माना है, यू तो जीरो था ही, ट्वाइस एन माइनस वन और ए की जगह जी बाई टू, इक्वेशन नंबर वन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये यही जो एच डैश है लास्ट सेकंड में जो इसने ये ट्रेवल किया बच्चों, लास्ट सेकंड में जो इसने चला है, आखिरी के सेकंड में जो इसने चला है वो पहले तीन सेकंड के बराबर है, तो इन फर्स्ट थ्री सेकंड, इन फर्स्ट थ्री सेकंड्स बताइए इसमें भी लगा दो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही डायरेक्शन क्या ले लो बताइए, पॉजिटिव। भाई ये तो पता ही है जी किधर लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा, तो एस कितना हो जाएगा ये मान लो। अब इसको मैं कह देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, कोई एच डबल डैश कह देता हूँ, ठीक है, तो एच डबल डैश इक्वल टू यू तो जीरो था इसमें भी, हाफ जी और समय कितना है तीन सेकंड का स्क्वायर, तो एच डबल डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, नाइन जी बाई टू आ जाएगा, इक्वेशन नंबर टू। और ये दोनों इक्वेट कर दीजिए क्योंकि दोनों आपको बराबर दिए हुए हैं, तो जैसे ही आप दोनों को इक्वेट करोगे, जैसे ही दोनों को इक्वेट करोगे तो बताइए क्या दिया हुआ है, एच डैश इक्वल टू एच डबल डैश, तो एच डैश कितना है बताइए, टू एन माइनस वन जी बाई टू बराबर, ये कितना है बताइए, नाइन जी बाई टू, जी बाई टू से जी बाई टू मर जाता है तो ये आ जाता है टू एन माइनस वन इक्वल टू नाइन, तो एन इक्वल टू आ जाता है फाइव, सेकेंड नहीं लिखेंगे फाइव, सिंपली एक इंटीजर है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव आ गई। इसका मतलब बताइए एन की वैल्यू फाइव आ गई, तो ये जो समय आ गया कितना आ गया, फोर सेकंड आ गया, और ये कितना आ गया, फाइव सेकंड आ गया, ठीक, ये आपको बता चुके हैं। एन इक्वल टू फाइव का मतलब फिफ्थ सेकंड, इसका मतलब आ गया ये फिफ्थ सेकंड, और फिफ्थ सेकंड क्या होगा बताइए, टी इक्वल टू फोर सेकेंड टू टी इक्वल टू फाइव सेकेंड, ये सब काउंट करना बता चुके हैं। एन की वैल्यू फाइव आई है तो इसका मतलब ये हो गया फिफ्थ सेकंड, और फिफ्थ सेकंड का मतलब इंटरवल हो गया टी इक्वल टू फोर सेकंड से लेके टी इक्वल टू फाइव सेकंड, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब हाइट पूछिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हाइट का मतलब ये पाँच सेकंड की यात्रा हो गई, ये पाँच सेकंड की यात्रा हो गई, हटा दें इसको यार। ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको काफ़ी कराए थे, और यही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, और नहीं होते हैं बच्चों से, नहीं होते हैं, आप कहेंगे हमसे तो हो रहे हैं, भैया इतनी प्रैक्टिस करा दी ना इसलिए हो रहे हैं, ठीक, हटाएं इसको। अब पाँच सेकंड में एच निकाल लो आप, अब पाँच सेकंड में एच फाइंड आउट कर लो, तब आपको ये पता लग गया कि यहाँ पर ये एच निकालना है, ये एच जी इसमें नीचे लगेगा, टी इक्वल टू जीरो पर बॉल को यू इक्वल टू जीरो से छोड़ा था, और यहाँ पर टी इक्वल टू फाइव सेकेंड, यही डायरेक्शन क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो, इक्वेशन यूज़ कर दो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो बताइए एस फाइंड आउट करना था, यू जीरो था ही प्लस हाफ जी और टी बोले तो फाइव का स्क्वायर, तो एस इक्वल टू बताइए कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 125 मीटर। यार यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ, ऐसे ही बताना चाहता हूँ, पहले इसको जो मैंने पढ़ाया उसको और यूज़ कराना चाहता हूँ। देखो ये तो क्लियर हो गया, देखो हम इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हमें ये बात पता ही लग गई, यार मैं इतना रगड़ के क्वेश्चन कराने का मतलब ये कॉन्सेप्ट ही रगड़े जा रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको, समझो जरा, कर लोगे मसल दोगे तो चीज़ें बड़ी सिंप्लीफाइड हो जाती हैं, प्लीज यार। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जब भी बॉल कभी भी टी इक्वल टू जीरो पर यू इक्वल टू जीरो से ड्रॉप हो, तो देखिए यहाँ पे पाँच ही सेकंड का तो मामला है,
फर्स्ट, देखो ये तो फर्स्ट आ जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, यही तो मामला है। तो बताइए पहले में x चलती है तो दूसरे में 3x, यहाँ पर 5x, इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ यूजर, ये नहीं है कि कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो कर दिया पर अपना दिमाग और खोलिए तभी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर पाओगे। 9x, मुझे पता है x कितना होता है, मैंने बता दिया था 5 मीटर, और ये फिफ्थ सेकंड में चला इसने, तो बताइए s फिफ्थ कितना होगा, ये 9x होगा। ठीक है, ठीक नहीं वो सही है। अब हमें देखिए x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है, पहले सेकंड में कितना चल जाता है फ्रीली फॉल कराए तो 5 मीटर। अब बताइए 5 सेकंड में यही h तो होगा इसका, तो h होगा कितना बताइए, x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x, ऐसे भी कर सकते हो भाई, प्रैक्टिस की बात है। तो ये कितना हो गया 4x, 9 25x हो गया। x मुझे पता है कितना है, 5 है, ये आ गया 25 × 5 = क्लियर। कैसे भी निकालिए, ये वही है गैलीलियो लॉज ऑफ ऑड नंबर। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने आपको पहले भी कराई है, लेकिन ये मोर अंडर ग्रेविटी में ही सवाल पूछा जाता है, तो यहाँ पे ना कराऊँ ऐसा पॉसिबल था नहीं मेरे लिए। ठीक है, चलिए। अच्छा एक काम करिए, इसको तो मैं इसकी वर्किंग मैं कराता हूँ अभी, और इसको आप होमवर्क में कर लेना। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, वही वाले क्वेश्चन आ गए थर्ड सेकेंड। ठीक, देखिए जरा, अब थर्ड सेकंड में ये आपको निकालना है, तो देखिए पहले समझिए, यहाँ पर आपने इसको 28 मीटर पर सेकंड से उछाला, 28 मीटर पर सेकंड, तो मैंने आपको ये बताया था सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लो इसकी वेलोसिटी कितने समय के बाद जीरो होगी, जब लौटेगा तो 28 मीटर पर सेकंड से ही लौटेगा, तो आप इसमें लगा दो सीधे सीधे v = u + at। वैसे तो मुझे पता है कि t = 2.8 सेकंड पे जाके जीरो हो जाएगी। ठीक है भाई, हमेशा 10 से डिवाइड कर दिया करो, अपने आप आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखिए फाइनल जीरो होना था, तो जो टाइम आ जाता है u/g आ जाता है, u कितना है बताइए, 28, और 10 से डिवाइड कर दो तो ये 2.8 सेकंड, इसको दिमाग में इसको भी सेट कर लो, डायरेक्ट आ जाता है। जैसे मतलब 25 हो 0.5 सेकंड के बाद जीरो हो जाती, मान लो 30 होती तो 3 सेकंड के बाद जीरो हो जाती, 35 होती तो 3.5 सेकंड के बाद जीरो हो जाती। ये सब चीज़ें बड़ी क्लियर होनी चाहिए, तो एकदम स्पीड में चीज़ें ली जाती हैं, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं थी, चलो हटा भी देता हूँ। तो 2.8 सेकंड के बाद यहाँ पे जीरो हो गई, तो मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो समय हुआ ये यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगी, तो वो होगा t = 2.8 सेकंड। अब थर्ड सेकंड, तो देखो थर्ड सेकंड क्या होगा, सेकंड सेकंड बताइए कहाँ, ये 2.8 सेकंड, तो इसका 2 सेकंड यहां पर कहीं होगा, ये t = 2 सेकंड होगा, इसका मतलब ये जो इंटरवल हो जाएगा डेल्टा t1, ये हो जाएगा 0.8 सेकंड का, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में, और 2 सेकंड फिर यहाँ कहीं होगा, और ये t = 3 सेकंड होगा, ये t = 3 सेकंड होगा, तो ये जो इंटरवल हो जाएगा, तो आपको जो मोशन डिस्कस करना है वो a से b डिस्कस करना है, ये आपके लिए काम का है, ये काम का है। ठीक, इसको हटा दूं। अब देखिए हम इसी को बना लेते हैं और एलाबोरेट करके ये बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, ये सब बना लिया करो,
ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। यहाँ पे स्पीड कितनी थी बताइए, कितनी होगी? देखिए यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पर देखिए एक सेकंड बाद कितनी बचेगी बताइए, 18। टी इक्वल टू वन सेकंड, और दो सेकंड बाद कितनी बचेगी बताइए, 8 बचेगी, 8। तो यहाँ पे स्पीड होगी 8 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये मुझे डेल्टा बताइए। अब बताइए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बता, तो आप ए से बी, क्योंकि देखिए जो ए से बी होगा वही बी से ए होगा, पर तो बी से ए डिस्कस करेंगे तो एस एस मान लीजिए ये यहां से यहां तक मान लीजिए आप इसको एक्स वन, तो ये एक्स वन इक्वल टू जीरो आ जाए। ठीक है, अब ऐसे भी कर सकते थे बाद बाकी, आप वैसे भी कर सकते थे, कैसे x1 इक्वल टू ये आ जाएगा 10 बाई 2 इंटू 0.64, तो मेरे हिसाब से ये आ जाता है 3.2 मीटर। ठीक, ये कहाँ पे a से b लगा दो, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो इनिशियल कितनी थी बताइए, 8 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए ए, ठीक, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 3.2 मीटर आ गई। अब आपको x2 फाइंड आउट करना है, तो ऐसे x2 फाइंड आउट कर लीजिए, इतना पॉज करके उतारिए। चलिए x2 फाइंड आउट करना है, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, ये एक्स टू फाइंड कर देते हैं, मैं लगाते बी से सी टू सी, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस आर, तो एस हो जाएगा एक्स टू यू जीरो हाफ ए नीचे की तरफ 10 और टी बोले तो 0.2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हुई लिखा पॉइंट टू मीटर आ गया। ठीक, पॉइंट टू मीटर आ गया, तो देख पूरी कहानी आ गई, ये यहां पे था, ये यहां पे टी इक्वल टू दो सेकंड पर, यहां टी सेकंड पर, ठीक है, पर टी इक्वल टू 2.8 सेकंड, तो ये जो x1 आया वो तो आया 3.2 मीटर, और ये जो x2 आया 0.2 मीटर। अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट तो बताइए जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इनिशियल से फाइनल, तो आपको यहाँ से यहाँ तक फाइंड आउट करना होगा, ये कितना हो जाएगा बताइए, 2 माइनस 0.2 बराबर 3 मीटर हो जाएगा, पाथ लेंथ होती है, तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा टोटल, ये तो ये कितना था बताइए 3.2 मीटर, और ये कितना 0.2 मीटर, तो ये आ जाएगा 3.2 प्लस 0.2 बराबर 3.4 मीटर। अब एवरेज फाइंड आउट कर सकते, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, ये भी एक बेहतरीन सवाल है, देखिए जरा क्या है। अब बलून इज मूव अप विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड 80 मीटर अबव द
ग्राउंड स्टोन विल हिट द ग्राउंड। पढ़िए सवाल और पॉज करके ट्राई करिए। सबसे पहले यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। कॉन्सेप्ट यह है, ध्यान से सुनिए पहले कॉन्सेप्ट, जिसमें बच्चों को डाउट आएगा। जैसे ये तीन केस मैंने बनाए, तीन प्लैंक हैं, ध्यान से सुनना यार, इसी में क्लियर हो जाएगा। तीन प्लेटफॉर्म है, ध्यान से सुनना। यहां भी ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है अपने हाथ में बॉल लेके, यहां भी एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है अपने हाथ में बॉल लेके। अब मान लीजिए ये तो रेस्ट में है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मान लो 12 मीटर पर सेकंड से, और ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से। तो देखिए, जैसे ये बॉल को छोड़ेगा, इसको मैं ए कह देता हूँ, बी कह देता हूँ और सी कह देता हूँ। तो ध्यान से सुनना, जैसे ये बॉल क्वेश्चंस में आप एक ही बात करिए कि अगर कोई ऑब्जर्वर किसी भी मूव करते हुए प्लेटफॉर्म से या रेस्ट वाली सिचुएशन से, जैसे ये बॉल है मेरे पास, तो मैं जो ग्राउंड से देखेगा, बताइए ग्राउंड से देखने पर आपको कितने से समझ में आएगी, यू से समझ में आएगी, यू से। लेकिन अगर मैं चलते हुए इसको ड्रॉप करता हूं, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे करके उछल रहा था, उसको ड्रॉप करता हूं, तो इसकी इनिशियल स्पीड वो होगी जो मेरी उछलते समय स्पीड रही होगी, या उछल जिस समय छोड़ी होगी उस समय उछलन वाली स्पीड क्या रही होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर जैसे ये बॉल ड्रॉप होगी यहां पर, तो ये तो रेस्ट में, तो ये जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा होगा, ये हालांकि ये सब रिलेटेड में बहुत अच्छे से क्लियर होगा, पर पढ़ने की वहां की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इतनी आसान है कि देखिए, फिजिक्स द स्टडी ऑफ नेचुरल लॉस, नेचर में जो हो रहा है उसकी पढ़ाई लिखाई को ही क्या कहते हैं, फिजिक्स। तो यार नेचर में जो हो रहा है, मान लो पंखा घूम रहा है, तो यार ये थोड़ी ना कि इसमें मैं रॉकेट साइंस लगाऊं और पूरी फिजिक्स पढ़ाऊं कि देखो पंखा घूम रहा है, प्रूव करता घूमू। यार देख के ही समझ लो, हाँ पंखा घूम रहा है, क्या उसका डायरेक्शन है, तीन पंखुड़ियां हैं, क्या इनको प्रूव करूं एक एक चीज, नहीं इतना सोचना चाहिए। तो ये भी क्या कहेगा, इसको यू इक्वल टू जीरो कहेगा। लेकिन अगर पाएगा वही पाएगा जो प्लेटफॉर्म होगी, तो इसको इस समय कितने से दिखाई देगी, 12 मीटर पर सेकंड। तरीके से जैसे इसको यहां पे छोड़ेगा, बताइए छोड़ी तो बताइए t इक्वल टू जीरो पर, इसके फ्रेम से ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर और g नीचे लगना शुरू हो जाएगा। क्लियर, ये कौन करता है, ठीक है। कि अगर किसी भी मूव करते हुए प्लेटफॉर्म फ्रेम से इनिशियल वेलोसिटी वही होती है जो उस मूविंग के ऊपर होती है, ठीक। मैं बोल देता हूं, हिंदी में लिख लो मैं बोल रहा हूं, लिख लो कॉपी में। अगर या किसी फ्रेम से रिलीज किया जाए एकदम ऐसे करके रिलीज कर, देखो जैसे ये रिलीज है, और देखो ये थ्रो है ये रिलीज, रिलीज में छोड़ा जाता, ठीक है। जैसे रिलीज का मतलब ये है,
ठीक, जैसे मैं यहां पर 3 केस कर देता, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया, आवाज़ आ रही है ना, ये चेक कर लेना दुष्यंत, आ रही है। तो आपको ये बता दिया कि जब भी किसी बॉडी को किसी मूव करते हुए बॉडी से रिलीज किया जाता है तो उस रिलीज की हुई बॉडी की ग्राउंड फ्रेम से वही स्पीड होती है जो उस मूविंग बॉडी की होती है। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, बलून इज मूविंग अप। अब बलून है ये बलून, यहाँ पर एक बांगड़ू खड़ा हुआ है, बलून मूव कितने से कर रहा है बलून, जरा बताइए। बलून मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, और एक इसके हाथ में बॉल है, ये इसको रिलीज करता है। तो बताइए, जैसे ही बॉल को रिलीज करेंगे, बॉल भी इस समय कितने से मूव कर रही होगी, 30 से। लेकिन रिलीज करने के बाद इस पर जी नीचे लग जाएगा। तो बताइए फिर पाथ ऑफ द बॉल। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, जिस समय रिलीज किया जाता है उस समय ये ग्राउंड से कितना ऊपर है बताइए, 80 मीटर। तो बताइए पाथ ऑफ द बॉल, बॉल का जो पाथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए, कि अगर ये ग्राउंड है मान लीजिए, तो पहले तो यहां से बताइए ये 80 मीटर होगा, 80 मीटर आराम से समझिए, और ये बॉल कितने से मूव कर रही होगी, 30 मीटर पर सेकंड से। ये पहले ऊपर जाएगी और फिर ऐसे लौट कर आएगी, ये कहानी है इसकी। पहले ऊपर जाएगी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर ये लौट कर नीचे आ रही होगी, जी नीचे लगता रहेगा हमेशा। तो ये हो जाएगी इसकी इनिशियल पोजीशन और ये हो जाएगी इसकी फाइनल। एकदम आसान लग रहा हो आपके, दिक्कत क्या है? जो कॉन्सेप्ट फंसता है, जिस बात को बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, वो मैंने बता दी कि जैसे ही बलून से बॉल को ड्रॉप किया गया होगा तो बॉल की स्पीड बलून वाली स्पीड होगी, दैट इज 30 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद जी इसमें लगना स्टार्ट होगा नीचे। ये सवाल हो गया। अब क्या पूछा है, ड्रॉप फ्रॉम द बलून व्हेन इट इज एट द हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द टाइम आफ्टर विच स्टोन विल हिट द ग्राउंड। तो आपको यही तो पूछा है, यहाँ से यहाँ जाने का समय बताओ। बता देते हैं, ये हटा रहे हैं इधर से, ठीक है, हटा रहे हैं इधर से, हटा रहे हैं। एक बात बताइए, क्या इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर दोगे, कि यहाँ पे बलून है और यहाँ से गया ये ऐसे करके, ये तो ये इनिशियल और ऊपर की तरफ 30, जी नीचे लग रहा है। तो बताइए नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, क्यों? क्यों ये इनिशियल और ये फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल, तो वो कितना हो जाएगा बताइए, 80 मीटर हो जाएगा भैया, 80 मीटर हो जाएगा। ये यहाँ पर टी इक्वल टू 0 पर और यहाँ पर ये टी इक्वल टू टी पर। कर दें सॉल्व, कर देते हैं सॉल्व। चलिए तो आप इक्वेशन लगाइए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, प्लस 80 होगा, क्योंकि यही डायरेक्शन हमने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया इनिशियल से फाइनल। यू बताइए, ये माइनस लिखा जाएगा 30, क्योंकि डायरेक्शन पॉजिटिव नीचे और यू पस का ऊपर है 30 मीटर पर सेकेंड।
और टाइम तो निकालना ही था, प्लस हाफ जी भाई प्लस टेन लिखेंगे, सब जानते हैं, क्योंकि जो डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव लिया है ग्रेविटी नीचे की तरफ ही पॉजिटिव है, और टी स्क्वायर तो ये आ जाएगा 80 इक्वल टू माइनस 30t प्लस 5t स्क्वायर। तो ये आ जाता है बच्चों यहाँ से 5t स्क्वायर माइनस 30t माइनस 80 बराबर 0, 5 से सबको डिवाइड कर दीजिए, माइनस 60t माइनस 16 हो जाएगा ना, ठीक। अब इसके फैक्टर्स कर लीजिए, इतनी मैथ आती है आपको, तो ये क्या लिख देंगे इसको, माइनस 8t प्लस 2t माइनस 16 बराबर 0, तो ये t कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा t माइनस 8 प्लस 2t माइनस 8 बराबर 0, ये आ जाता है t प्लस 2 और एक तरफ आ जाता है t माइनस 8 बराबर 0, तो t इक्वल टू माइनस 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 8 सेकेंड, ठीक। इसको हम रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट नेगलेक्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट करेंगे और ये सेलेक्ट करेंगे, तो बताइए टाइम कितना लग गया इसको, 8 सेकंड लग गया यहाँ से आने में, 8 सेकंड, ठीक है। अगर पूछता कि स्पीड कितनी होगी हिट करते समय, क्या ये भी आप फाइंड आउट कर सकते थे, निकाल लेना, इक्वेशन लगा देना, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as या वी इक्वल यू प्लस 80, दोनों से हो जाएगा, ओके, क्योंकि समय पता लग गया है 8 सेकंड, निकालें, चलो निकाल देते हैं। जैसे आप इसमें इक्वेशन, क्यों टाइम पता है तो आप लगा दो v इक्वल यू प्लस 80, तो v निकालना है, यही डायरेक्शन पॉजिटिव लिए रहो, u कितना हो जाएगा माइनस 30 प्लस जी 10 आ जाएगा, और टाइम कितना 80 सेकेंड, अरे यार सॉरी 8 सेकेंड, तो v इक्वल टू आ जाएगा माइनस 30 प्लस 80, तो v इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। बाद बाकी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से भी आ जाता, ओके, एकदम आसान हो गया, कोई कठिनाई नहीं आई, बिल्कुल कठिनाई नहीं आएगी 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, चलिए बहुत अच्छा सवाल है और काफी प्रैक्टिस करा दी इन सवालों की मैंने यार, प्लीज करिए। कुछ बच्चे कह रहे थे सर असाइनमेंट दे दीजिए, तो देखो यार मैं बता दूं, वेबसाइट मैंने बनवाई थी, मैं नया नया हूं इसमें ऑनलाइन में, लेकिन आप देख रहे होंगे दिन रोज इंप्रूव करता जा रहा हूं चीजों को, और बहुत तेजी से इंप्रूव करेंगे, और पूरे देश में किसी से भी कम नहीं पढ़ाएंगे और अच्छा ही पढ़ा के देंगे, अक्रॉस द कंट्री बात कर रहे हैं, अरे कंट्री छोड़ो वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते रहेंगे आप लोगों के लिए, किसी से भी खराब तो पढ़ाएंगे नहीं, अच्छा बहुतों से पढ़ा देंगे, ठीक है, खराब किसी से नहीं, ठीक, ये अपना कॉन्फिडेंस है, कोई घमंड थोड़ी है। तो वेबसाइट बनवाई थी लेकिन यार वो करप्ट हो गई, हमसे चली नहीं, तो उसको दिवाली में हम देखेंगे, बाद बाकी हम खूब प्रैक्टिस आपको क्लास में कराते हैं, तो उस पर हम असाइनमेंट दिवाली के बाद अपलोड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए सवाल देखिए, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h इफ इट टेक्स 1 सेकेंड, इसको 1 सेकेंड लग रहा है, ठीक, इफ इट टेक्स 1 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 55 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉप्ड। समझिए जरा, देखिए एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप का मतलब क्या होता है, रेस्ट छोड़ा गया, ये सब बातें फंसती हैं बच्चों की, इसलिए मैं बताता हूँ, ड्रॉप का मतलब रेस्ट छोड़ा गया, एक्सीलेशन तो जी लगेगा ही लगेगा। इफ इट टेक्स 1 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 50, अब मान लो ये जो भी हाइट रही होगी इसकी, जो भी हाइट रही होगी एच रही होगी, अब जो लास्ट 55 मीटर है, ये लास्ट 55 मीटर, इसको 1 सेकेंड का समय ले रहा है, इसको 1 सेकेंड 55 मीटर को क्रॉस करने में 1 सेकेंड ले रहा है, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉप्ड। यार इतने कन्फ्यूजन आते हैं बच्चों को इन सवालों को करने में, मैं आपको चुटकियों में समझाता हूँ। देखो जब भी ड्रॉप का केस हो और एक एक सेकेंड की बात हो, तो मुझे पता है कि अगर पहले वो x चला होगा पहले सेकेंड में, तो दूसरे में कितना चला होगा 3x, अगले में कितना 5x एंड सो ऑन, तो ये भी तो 1 सेकेंड का ही है, ये भी तो 1 सेकंड का ही है। तो इन सवालों में ये देख लिया करो कि मान लो यहाँ पे जाके एन एक्स चला या 2n प्लस क्या, अरे यार छोड़ो इसको ऐसे ही देख लो। तो देखिए आप ये देखो,
ये एक्स इसमें सब में कॉमन है, तो ये एक्स का तीसरा मल्टीपल है, ये पांचवा मल्टीपल है। तो आप ये देख लो कि ये कौन सा मल्टीपल एक्स का, तो एन इंटू एक्स इक्वल टू, अगर मैं 55 कर दूं और एक्स की वैल्यू मुझे 5 पता है, इक्वल टू 55, तो एन इक्वल टू कितना आ गया, 11 आ गया। इसका मतलब ये हो गया ये 11x है, इससे पहले बताइए क्या है 7x और यहाँ पर क्या है 9x। यार बहुत आसान हो गया, प्लीज यार बहुत अच्छा मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, काफी देर से मैं डिस्कस कर रहा हूं और जब भी मुझे मौका मिलता है गैलीलियो के लॉ के और नंबर को लगाने का, मैं चूकता नहीं हूं लगाने में, तो मुझे पता था रेस्ट से छोड़ा गया। और अक्सर इन क्वेश्चंस में जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे आखिरी के सेकंड में 55 चला या जो भी चला, तो एक बार ये देख लिया करो कि कहीं ये नंबर 5 का मल्टीपल तो नहीं है। आप कहेंगे 5 के मल्टीपल का मतलब, क्योंकि मुझे पता है पहले सेकंड में 5 चलता है, अगले में 15, अगले में 25, यहाँ पर 35, यहाँ पर 45, यहाँ पर 55 और अगला होता तो 12। अब समझ गए होगे बात को, ठीक है। इस तरह से तो n की वैल्यू 11 आ गई, तो n की वैल्यू 11 आ गई यहाँ पर, ठीक। तो n की वैल्यू 11 आ गई, तो अब आपको हाइट निकालनी है, तो हाइट देखो ऑब्जेक्टिव आ गई, बताइए कितनी होगी, x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x प्लस 11x, यहाँ तक जाना है। तो h इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, 3 और 1 4, 5 9, 9 और 7 16, 16 9 25, 25 और 11 36, 36x, 25 और 11 36, और x कितना है 5, तो यह आ जाएगा 36 इंटू 5 इक्वल टू 30, 5 6 के 30, 5 3 15, 180 मीटर। क्लियर हुआ? जैसे देखो इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं मैं हल्का सा, देखो अपने आप आएगा आपको समझ में। ये 1 सेकेंड है, ठीक है, 1 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट, मान लो ये 65 मीटर होता बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वही क्वेश्चन है, आपका दिमाग और सही करने के लिए काम कर रहा हूँ, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। देखो इसी मेथड से करके दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन जब फ्रेम करता है ना क्वेश्चन बनाने वाला, तो वो बात ये सोच लेता है, और इवन सुनिए वो अनसन सोचेगा भी ना, तो कैलकुलेशन बढ़िया नहीं हो पाएंगे, कैलकुलेशन तभी अच्छे होंगे जब वो यही सोच रहा होगा। तो देखिए लास्ट 65 मीटर चलाए, लास्ट में लास्ट सेकंड में 65 मीटर चलाए, देखिए जरा एक लाइन में आएगा आंसर, ना हो तो बताना तुम, लास्ट में 65 है, ये 65 मीटर है और ये लास्ट सेकंड है, तो आप ये देख लो कि ये यही बताना है कौन सा नंबर है उसका। हाँ ये तो हमें पता ही है कि यहाँ पर t इक्वल टू 0 से u इक्वल टू 0 से ड्रॉप किया गया है, तो आप ये देख लो ये 5 का कौन सा मल्टीपल है, तो बताइए n इंटू 5 इक्वल टू 65, तो n इक्वल टू शायद आ जाता है 13। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ऑब्जेक्टिव करता हूँ, देखो ये x रहा होगा तो ये 3x, ये 5x, ये 7x, ये 9x, ये 11x और ये 13x और मल्टीपल वाला। क्लियर हो गया? तो अगर मुझे इसमें हाइट फाइंड आउट करनी है, देखो ऑब्जेक्टिव आ गया, h फाइंड आउट करना है, तो h की वैल्यू कितनी होगी बताइए, डायरेक्ट बताइए, h होगा x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x प्लस 11x प्लस 13x, बताइए h इक्वल टू, देखो 4, 5, 9, 9 और 7, 16 और 9, 25 और 11, 36, 36 और 13, 36 प्लस 13 लिख दो 9 और ये 49 आता है, तो ये आ गया 49x, ये 49x आता है, ये 49x आता है, और x की वैल्यू 5 होती है, स्टैंडर्ड रटा दिया मैंने आपको, तो 49 इंटू 5, तो h इक्वल टू 5 नाम 45, 5 चौक 20, 245 मीटर, ठीक। अगर मान लिए यही लिखा होता, अपने आप बताइए 65 मीटर होता या 35 मीटर होता, टेक 1 सेकेंड टू क्रॉस लास्ट 35 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ठीक वही सवाल है, बस आखिरी में 35 है, तो देखिए अपने आप सोचिए
सोचिए अपने आप क्या करेंगे, सोचिए अपने आप क्या करेंगे। तो यही यार कॉन्सेप्ट होते हैं जो न्यूमेरिकल्स में ही पॉसिबल है बताना। तो देखिए यहां से ड्रॉप किया, अब लास्ट में ये 35 मीटर है, ये लास्ट सेकंड, लास्ट सेकंड में 35 मीटर है। तो आप ये देख लो ये किस 5 का कौन सा मल्टीपल है, तो बताइए n इंटू 5 बराबर 35, तो n इक्वल टू 7 आ गया। इसका मतलब अगर आपने रेस्ट छोड़ा, देखो अब आपके भी हाथ चल रहे होंगे, अब आपके भी हाथ चल रहे होंगे 100%। तो बताइए पहला अगर x होगा तो अगला क्या होगा, 3x होगा, तो अगला देखो दुष्यंत को भी क्लियर होने लग गया है 5x, तो बताइए अगला क्या होगा, ये 7x ही हो गया। तो ठीक है मुझसे बन गया है, इधर दोबारा बना देता हूँ इसको, ठीक है। यही फिजिक्स होती है दुष्यंत भैया, भी देखो समझने लग गए, t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0, तो ये x, तो ये 3x, तो ये 5x, तो ये 7x, सातवां मल्टीपल था। इसका मतलब क्या हो गया, जो h आ जाएगा सीधे सीधे बताइए यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट h रहा होगा, h इक्वल टू क्या रहा होगा, x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x। तो बताइए h बराबर सब जोड़ दीजिए, x 4 5 9 9 7 16x और x 5 होता है तो ये आ जाएगा 80 मीटर। ये बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, मैंने रगड़ दिया एकदम इसको, मसल दिया मैंने। एक क्वेश्चन की क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन की तरह नहीं करा था, उसको मैं यूनिवर्सल तरीके से कराना पसंद करता हूँ, जिससे उस तरह का कहीं भी क्वेश्चन बाएं दाएं भी आ जाए आप निकाल ले जाओ उसको, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े आगे, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बात वही होगी, वही रख दिया क्या, नहीं दूसरा है, ठीक है। चलिए करिए सवाल, पढ़िए, पढ़ता हूं। क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 100 मीटर एंड अनदर पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट द पोजिशन एंड टाइम वेन टू पार्टिकल्स विल मीट। ये मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी आपको, ये रिलेटिव मोशन में मैं इन क्वेश्चन को बहुत कराता हूँ, पर ऐसा भी क्वेश्चन मोशन अंडर ग्रेविटी में ही बुक्स में दिए रहते हैं तो आपसे अटक जाते हैं, तो मैंने एक क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन के रूप में दे रहा हूँ। काफ़ी फेमस क्वेश्चन होते हैं, देखिए क्या होते हैं क्वेश्चन, ये होते हैं कि एक बॉल को एक ही लाइन के लाऊं, एक एक को यहां से ड्रॉप किया गया है, इसमें ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0, ये तो तुरंत लिख दिया करो। हाइट इसका कितना दिया बच्चों, 100 मीटर, कौनों दिक्कत नहीं, और एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है लेकिन दोनों का टाइम सेम ही है t इक्वल टू 0 पर, इसको t इक्वल टू 0 पर ड्रॉप किया गया है और इसको t इक्वल टू 0 पर प्रोजेक्ट किया गया है। कितने स्पीड के साथ प्रोजेक्ट किया गया है, अब पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 100 मीटर एंड अनदर पार्टिकल ड्रॉप वर्टिकली अब 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो देखिए इसके पास तो एक्सीलरेशन होगा जी का, लेकिन इसके पास क्या होगा, रिटार्डेशन होगा जी का, इसके पास क्या होगा, रिटार्डेशन होगा जी का। ठीक, रिटार्डेशन होगा जी का। अब कह रहा है फाइंड आउट द पोजीशन एंड टाइम वेन टू पार्टिकल्स विल मीट, तो मान लीजिए कहीं भी मिला दो, लेट इसको यहां मिला दो, आप यहां मिला दिए, ये यहां पर है और ये फुदक के यहां पहुंच गई, ठीक। इसको मैं ए कह रहा हूं तो ये ए यहां पर आ गई, इसको मैं बी कह रहा हूं तो बी आ गई, यहां मिल गई। अब आप वाई नीचे से ले लो या ऊपर से ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आप जैसा पसंद करें। चलो मैं वाई नीचे से ले लेता हूं, लेट ये यहां से वाई है, तो ऑब्वियसली ये कितना बचेगा, ये बचेगा 100 माइनस वाई, सेम पोजीशन पे दोनों मिलेंगे, ठीक। अब आप ए के लिए कर दीजिए, फॉर ए, फॉर ए, अच्छा ए के लिए नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे और इसके लिए आपका जो मन करे नीचे ले लो या ऊपर ले लो, ठीक है। वो देखिए ये नहीं है कि सर क्वेश्चन तो एक ही है तो ये इसके लिए पॉजिटिव लेंगे तो इसके लिए भी यही पॉजिटिव लेंगे, ऐसा नहीं है यार, ये अलग घटना है, ये अलग घटना है, वो अलग बात है, दोनों मिल रहे हैं। आप इसमें साइन कन्वेंशन अपनी मर्जी से ले सकते हैं, इसका साइन कन्वेंशन अपनी मर्जी से ले सकते हैं, जो इसका लें वही इसका लें अच्छी बात है, जो इसका लें इसका अलग लें और भी अच्छी बात है, ये टोटल आपकी स्वतंत्रता है, ठीक, इट इज़ योर फ्रीडम,
ठीक है, इट इज योर फ्रीडम। बताइए ए के लिए करेंगे, तो ए के लिए क्या करेंगे, आप लगाएंगे एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस कितना है, इसका नीचे का पॉजिटिव लिया आपने तो 100 माइनस वाई, यू तो इसका जीरो लेंगे तो हाफ जी टी स्क्वायर। मान लो यहाँ पे टी इक्वल यू टी पर दोनों की मुलाकात हो गई, टाइम तो दोनों को ही सेम लगेगा, जो इसको लगेगा वही इसको लगेगा। अच्छा ये इंटरवल होता है टी, ये सब बातें हो चुकी हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर वन कहता हूँ। बताइए फॉर बी, ये बहुत अच्छा फीचर है इस बोर्ड का कि इधर से लिखेंगे तो एक कलर, इधर से लिखेंगे तो एक कलर। फॉर बी, बी के लिए भी यही लगा दीजिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये इक्वेशंस की खूब सारी प्रैक्टिस हो गई, इसमें भी चलो मैं ऊपर वाला ही पॉजिटिव ले लेता हूँ, ले क्या लेता हूँ, मैंने तो बताया ही था कि इनिशियल से फाइनल जिधर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो वही डायरेक्शन क्या लेनी चाहिए, पॉजिटिव लेनी चाहिए। तो इसको मैंने वाई ले लिया, यू इसमें प्लस होगा कितना बताइए, प्लस 50 टी प्लस हाफ जी माइनस 10 होगा और टी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर टू, दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हटा दो इसको, क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा, ठीक, दोनों को सॉल्व करेंगे, करिए सॉल्व भैया। अब क्या करेंगे बताइए, एक में से उठा के दूसरे में पुट कर दो या दोनों को जोड़ दो। तो एक इक्वेशन है आपके पास 100 माइनस वाई इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और एक इक्वेशन है y इक्वल टू 50 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दोनों को जोड़ दिए जरा, ये कैंसिल आउट होगा, 100 बराबर ये भी y जाएगा सीधे 50 टी, और t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड आ गया। किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो इसको, तो y की वैल्यू आ जाएगी 50 इंटू टू माइनस हाफ इंटू 10 और 2 का स्क्वायर। y इक्वल टू ये आ जाएगा 100 माइनस 5 इंटू 4, तो y इक्वल टू 80 मीटर। तो बताइए भैया t इक्वल टू 2 सेकंड पर तो दोनों की मुलाकात होगी, और नीचे से 80 मीटर पर मुलाकात होगी, ऊपर वाली बॉल कितनी चली होगी तब तक 20 मीटर चली होगी। क्लियर, ये क्वेश्चन आ गया, बढ़िया सवाल था, ऐसे ही करना होता है आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हटाएं इसको और एक क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन सवाल है, कई अच्छी बुक्स में दिया हुआ है। सवाल पढ़ता हूँ पहले, ये क्वेश्चन बच्चों को कन्फ्यूज करता है, तो पहले मैं इसका समझाऊंगा एक न्यूमेरिकल डाटा लेके आराम से। अ जगलर थ्रोज बॉल इनटू एयर, ही थ्रोज वन बॉल वेन एवर द प्रीवियस वन इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। How high do the balls rise if he throws n balls in each second? पहले पढ़िए और पॉज करके पहले ट्राई करिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये जैसे अभी मेरे पास तो एक बॉल है, जैसे ये बॉल ऐसे बॉल है, जैसे इसने ये उछाली, ये लगातार बॉल उछाल रहा है, ये लगातार, पर यहाँ से ऐसे करके एक सेकंड में एन बॉल उछाल रहा है, खट 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 खट, लेकिन समझ गए ना, यहाँ से एन बॉल उछाल रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, 1 2 3 4 5 6, एक सेकंड में एन बॉल उछाल रहा है। तो मैं अभी एक डाटा लेके समझाऊंगा, तो लेट एक सेकंड में, देखो पूरी कहानी समझना, लेट इन 1 सेकंड ही थ्रोस टू बॉल्स उछालता है एक सेकंड में, समझ लेना। पर बॉल उछालता कब है, ध्यान से रखना, बॉल उछालता तब है जैसे ये बॉल उछाली, तो ये बॉल जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगी तब दूसरी उछालेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जब हाईएस्ट पॉइंट पर होगी तब ये बॉल उछालेगा, तो इसने ये बॉल उछाली और अगली बॉल तब उछालेगा जब हाईएस्ट पॉइंट पर होगी। तो बताइए अगर एक सेकंड में दो बॉल उछाल रहा है, ठीक है, तो टाइम इंटरवल बिटवीन कंजीक्यूटिव बॉल्स, बिटवीन टू कंजीक्यूटिव लिख दो
बॉस कितना हो जाएगा बताइए, 1/2 बराबर 0.5 सेकेंड। दो लगातार बॉल के बीच में 0.5 सेकंड का समय होगा। अगर एक सेकंड में 10 बॉल उछालता तो बताइए हर दो बॉल के बीच में जो टाइम इंटरवल होगा उछालने का वो 1/10 सेकंड नहीं हो जाएगा। मान लो एक सेकंड में 5 बॉल उछालता तो दो, जैसे एक उछाली फिर अगली उछाली, तो उसके बीच का इंटरवल कितना होगा, 1/5 सेकंड होगा। सोच लो आराम से, एक सेकंड में 4 बॉल उछालता तो एक सेकंड में 1, 2, 3, 4 एक सेकंड पूरा हो गया, तो हर उछालने के बीच में समय कितना होगा, 1/4 सेकंड हो गया। तो अगर उसने दो बॉल उछाली तो दो, इफ इन वन सेकेंड ही थ्रोज टू बॉल्स, तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंजिक्यूटिव बॉल्स होगा 0.5 सेकंड। अब देखिए क्या दिया है कि जैसे ये बॉल तब उछलेगी, जैसे ये मान लो सेकेंड बॉल है, जब पहली बॉल यहां होगी, ध्यान से सुनना, पहली बॉल यहां होगी फर्स्ट बॉल, तो इसको यहां से यहां तक समय लगा हुआ कुछ। फिर अगली थर्ड कब उछलेगी बताइए, थर्ड तब उछलेगी जब ये सेकंड वाली यहां होगी, ये सेकंड है अब, और ये पहली वाली यहां आ चुकी होगी, ये फर्स्ट होगी और ये थर्ड होगी। अब ऐसे ही समझते चलो, ऐसे ही ध्यान से सुनना, अगली कब उछलेगी, जब फोर्थ उछालेगा, फोर्थ तो थर्ड यहां होगी और सेकंड यहां होगी, ये कहानी है। एंड सोन, पहली कहां गई होगी, अरे ले ली होगी उसने दोबारा। तो बताइए किसी भी समय हवा में तो एक बॉल होगी, एक उछल रही होगी, एक गिर रही होगी, ये कहानी होगी इस क्वेश्चन के हिसाब से, कि जब वो बॉल उछाली तब रहा है जब वो उससे पहली वाली बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है, जैसे सातवीं बॉल तब उछालेगा जब छठी यहां होगी। जैसे मैं जनरल कह दूं मान लीजिए, मैं इसको मैं जनरल कह दूं आपसे, तो जनरल में मैं कोई भी कह सकता हूं, ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए, ध्यान से सुनिए, यही कॉन्सेप्ट है, मान लो ये आठवीं बॉल है, एट्थ, तो ये सातवीं यहां होगी भैया और सिक्स यहां होगी, ये कहानी है। आ गया दुष्यंत, क्लियर बात? मतलब ये बॉल तब उछलेगी जब उससे पहली वाली यहां होगी, तो उससे पहली यहां होगी क्योंकि सिमेट्री है ना, जितने समय में यहां पहुंचेगी ये उतने समय में यहां आ जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये कहानी हो गई। जैसे और मैं जनरल बना दूं तो देखो कहानी ये होगी कि जैसे मुझसे कोई कहता है यार 18वीं बॉल है, 18th, तो फिर इस समय यहाँ कौन सी होगी, 17th होगी, और यहाँ कौन सी होगी, 16th होगी। यार समझ लो यार, ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो जाता है तो बच्चे को यही बात नहीं समझ में आती इसमें उछाला कैसे है, बाद बाकी सॉल्व करने वाले तो कर ही देते हैं। अब मैं जरा वही क्वेश्चन आ जाता हूँ जिस पर आता हूँ, ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए इन वन सेकेंड ही थ्रो टू बॉल नहीं है, एक्चुअली में दिया कितना, एन बॉल्स उछाल रहा है, तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंजिक्यूटिव बॉल्स कितना हो जाएगा बताइए अपने आप, 1/n, देखो दुष्यंत भैया ने बता दिया, 1/n हो जाएगा बिटवीन टू कंजिक्यूटिव बॉल्स बराबर 1/n। तो एक बात बताइए, 1/n दो बॉल के बीच का समय है, इसका मतलब क्या हुआ, ये डायग्राम बनाओ कि मान लो ये बॉल जो भी उछाली होगी इससे पहली वाली यहाँ होगी, इससे पहली वाली, जैसे मान लो ये n है तो ये कौन सी होगी, n-1th, और ये nth, तो ये कौन सी होगी भाई, यहाँ पे जो गिर रही होगी n-2th। तो बताइए ये जो इंटरवल होगा, देखिए दुष्यंत भैया बताएंगे डेल्टा t कितना होगा, ये भी फिर 1/n ही होगा, क्योंकि दो बॉल के बीच में समय तो 1/n ही है, तो ये समय भी कितना होगा बताइए, 1/n होगा। बताओ दोस्तों कैसा समझाया, सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया, तो ये भी 1/n का समय होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हाउ हाई डू द बॉल्स राइज इफ ही थ्रोज एन बॉल्स, तो अब यही तो पूछा है कि ये h कितना है, ये h कितना निकाल दो इसको, ठीक। तो समय दिया है तो इक्वेशन लगा दो, s इक्वल टू ut प्लस, या इसमें ये लगा दो ना, या ये लगा दो यहां से यहां तक आप लगा दो, v स्क्वायर इक्वल टू, इसमें कौन सी लगाओगे, v इक्वल टू u प्लस at, तो इसे u मिल जाएगा आपको, v इक्वल टू u प्लस at, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल u रही होगी प्लस, a कितना होगा, -g होगा,
और टी कितने सेकंड में ये वेलोसिटी जीरो हुई बताइए, वन बाई एन में। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, यू मिल गया, कितना, जी बाई एन, यू जी बाई एन मिल गया। मतलब जो बॉल उछाली होगी वो कितने से उछाली होगी, यू बराबर जी बाई एन से उछाली होगी। अब आपको ये एच बताना है तो इसमें कुछ भी लगा दो, या तो आप ये लगा दो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। अब तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में समस्या थी वो वही होती है समझ में आने वाली, वो मैंने समझा दी। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल कितनी निकाली है मैंने, जी बाई एन का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए मतलब माइनस जी, और एच मैक्स निकालना था। या वैसे भी पता होता है ना एक्स मैक्स का फॉर्मूला, यू स्क्वायर अपॉन सीधे लगा दो टू जी। तो एच मैक्स इक्वल टू यू कितना निकला है बताइए, जी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इन टू कितना, टू जी, जी से जी मर गया, तो एच मैक्स इक्वल टू जो आ गया बच्चा जी अपॉन टू एन स्क्वायर। क्लियर दुष्यंत भैया, एकदम क्लियर हो गया सवाल, ठीक है। चलिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जिसमें ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता जो इसमें फंसता नहीं या हमसे डाउट नहीं पूछता, एयर रेजिस्टेंस प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको मैं डिटेल डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं अपने तरीके से डिस्कस करूंगा। आपको जिस रास्ते से ले जाऊं उस रास्ते से चलिए, आपका कॉन्फिडेंस 100% आएगा, 100% आपको समझ में आएगा। लेकिन हमारे तरीके से चलिए यार, हम किताब वाले कैसे चलते हैं उससे मतलब नहीं रखते, हम इस हिसाब से चलते हैं कि बच्चे को पूरी फिजिक्स क्लियर हो जाए। तो एयर रेजिस्टेंस प्रॉब्लम पहले मैं इस पर कराऊंगा एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल, उसके बाद फिर इसके जनरल कॉन्सेप्ट पर आऊंगा, पहले सुन लो ठीक है मेरा तरीका। तो अब पार्टिकल इज थ्रोन, जो अभी तक पढ़ा उसी स्तर से करेंगे। अब पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल को ध्यान से सुनिए, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उछाला जा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड। इफ एयर प्रोवाइड्स एन एक्स्ट्रा एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा ध्यान से सुनिए, यहां पर जैसे अब ये बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर तो जाएगी फिर लौट कर आएगी, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिए, बॉल मान लो यहां पर पहुंची, तो अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो इधर क्या लगता, जी लगता, यही कॉन्सेप्ट है, सुन लीजिए। अब यहां पर क्यों एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस है, ध्यान से सुन लीजिए, एयर रेजिस्टेंस का मतलब हवा ऐसे करके इस पर क्या लगा रही होगी, फोर्स। तो ये जो ए है एयर का यार, वो दो दिया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एयर रेजिस्टेंस की एक खास बात आपको समझनी पड़ेगी, पहला जो डाउट बच्चों का आता है, एयर रेजिस्टेंस हमेशा मोशन का अपोज करता है, हमेशा। जैसे इस बॉल को मैं ऊपर उछालू तो जिधर वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट लगेगा, क्यों, मोशन का विरोध करना है। तो एयर रेजिस्टेंस, जी नीचे लग रहा है और जब बॉल ऊपर जा रही है तो भी एयर का रेजिस्टेंस भी नीचे लगेगा। लेकिन दूसरा समझना, जब बॉल नीचे आएगी तो एयर का रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा, क्यों, उसका काम है हमेशा मोशन का विरोध करना, ये एक तरह से एयर का फ्रिक्शन होता है और ग्रेविटी नीचे लगेगा। तो पहले तो मैं यहां पर ये बता दूं, अब तक जो आप पढ़ रहे थे, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं था तो ऊपर बॉल उछलती थी तब भी जी नीचे लगता था, और बॉल नीचे आती थी तब भी जी नीचे लगता था। लेकिन एयर रेजिस्टेंस के केस में जब बॉल उछलेगी तो जी नीचे लगेगा लेकिन एयर रेजिस्टेंस भी नीचे लगेगा, और जब बॉल वापस आ रही होगी तो जी नीचे लगेगा लेकिन एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा। कहने का मतलब आने और जाने का एक्सीलरेशन इस बार अलग अलग होगा। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन एक साथ डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये ए है यहां पर, ये बी है, समझिए जरा, और ये सी है, तो ए से बी का एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन अलग होगा, और बी से सी का एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन अलग होगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये टू लग रहा है नीचे, तो बताइए अगर मैं यही यही आपको समझा दूं, तो अगर वेलोसिटी इसकी ऊपर है तो इसमें जो जी डैश लगेगा या जी इफेक्टिव कहता हूँ इसको, वो 10+2 कितना लगेगा, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, ऊपर जाते समय, ठीक, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी ऊपर है, और जब ये बॉल नीचे आ रही होगी, कहीं भी ले लो, नीचे आ रही होगी, ये जब ये नीचे आ रही होगी तो इसको यहाँ समझा देता हूँ। तो देखिए जी तो इसमें नीचे लगेगा, लेकिन जो एयर का होगा, एयर का रेजिस्टेंस, एयर का रेजिस्टेंस किधर लगेगा, एफ एयर इधर लगेगा,
एफ ईयर इधर लगेगा। तो बताइए यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है, अगर वेलोसिटी इधर है तो बताइए ए एयर तो इधर लग गया भाई, एफ एयर लगेगा, और एफ एयर से ही रिटार्डेशन का जन्म होता है। ये सब लॉज ऑफ मोशन की बात है, अभी ध्यान से सुन लो। पर आपको तो ए दिया है, वो कितना दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी तो नीचे लगेगा, ग्रेविटी का कोई रोक नहीं सकता। तो बताइए इसका जो जी इफेक्टिव हो जाएगा, जी इफेक्टिव डैश, वो कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। मतलब नीचे आने में इसको जो एक्सीलरेशन मिलेगा वो 8 मिलेगा, और ऊपर जाने में जो रिटार्डेशन मिलेगा वो 12 मिलेगा। दिस इज कॉन्सेप्ट। प्लीज पॉज करके उतारिए और पहले इतना समझिए कि जाने का रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड 12 है और आने के एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड 8 है। जबकि एयर रेजिस्टेंस नहीं होता है, और जब तब मैं बॉल को उछालता हूँ तो जो जाने का रिटार्डेशन होता है 10, वही आने का एक्सीलरेशन होता है 10। लेकिन अब की बार अगर एयर रेजिस्टेंस है तो जाने का रिटार्डेशन 12 और आने का एक्सीलरेशन 8 आया है गिवन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। बाद बाकी अभी सॉल्व कर लें, फिर जनरल कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ये बात क्लियर हो गई। हटाएं इसको, पॉज करके उतारिए, हटाएं। चलिए अब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, देखिए यहां पर इसको 20 मीटर पर सेकंड से उछाला। अब आप तुरंत कह दोगे नीचे लगेगा जी डैश कितना 12, ठीक है, इसको ए कह देता हूं, इसको बी कह दिया, यहां पर वेलोसिटी 0 होगी, ठीक। और तो यहां पर आपको पता है कि वेलोसिटी वी, तो यहां पर ये लगेगा कितना 12, और यहां पर जब बॉल आ रही होगी तो ये जो जी डबल डैश लगेगा वो लगेगा 8। अभी अभी तो कराया है, ठीक, इतना क्लियर है। अब आने जाने के समय और ये सब निकाल देते हैं। पहले एच मैक्स फाइंड आउट कर देते हैं। एच मैक्स होता है यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2 जी इफेक्टिव कहते हैं। आज थोड़ा बदल दिया मैंने, जी तब होता है जब 10 होता, पर अब की बात 12 है। ये मत कहना सर इसको लेंगे कि इसको लेंगे, अरे यार एच मैक्स इससे निकलेगा कि उछलने से निकलेगा, उछलने से निकलेगा तो ये लेंगे, फालतू की बात क्यों करते हो। तो एच मैक्स इक्वल टू ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर अपॉन 2 जी, जी बोले तो कितना 12, तो ये आ जाता है मेरे और आपके हिसाब से 400/2 × 12। तो आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से एक ही आंसर आ जाएगा, 200/12, ये आ जाता है 50/3 मीटर, इतना लिख लीजिए। तो पहले का जो आंसर आ गया वो आ गया 50/3 मीटर। ओके। उतारिए, ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं इसमें समय निकालता हूँ जाने का और आने का। जाने आने के टाइम इस बार अलग अलग होंगे, क्योंकि वो तो सेम तब आते थे जब एक्सीलरेशन बराबर रिटार्डेशन होता था। और अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना कौन सा टाइम ज़्यादा लगेगा, खुद सोच लीजिए। इसको हटाता हूँ, एच मैक्स की वैल्यू आप लिख दीजिए यहाँ पर इक्वल टू 50/3 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद पूछा है फाइंड एच मैक्स टी ए टाइम ऑफ असेंट, तो टी ए बराबर क्या, आप लगा दो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, कहाँ से कहाँ तक ए टू बी। तो फाइनल ऊपर के डायरेक्शन को ही पॉजिटिव ले लो, क्योंकि इनिशियल से फाइनल वी जीरो इनिशियल कितना था 20 प्लस ए कितना है -12 और टी ए, तो बताइए यहाँ से टी ए इक्वल टू कितना आ गया 20/12 बराबर कितना आ गया 5/3 सेकेंड, क्लियर, ये टी आ गया। अब आने का समय निकाल लीजिए, टी डिसेंट बराबर क्या
तो अब देखिए ये आने का समय, अब आप इसमें कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? देखिए आप सोचेंगे सर v इक्वल यू प्लस एटी लगा दें तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ की वेलोसिटी नहीं पता है। आप कहेंगे सर ये वेलोसिटी यही होगी, नहीं होगी, ये तो तब होती जब ये दोनों तरफ बराबर होते, क्योंकि इधर रिटार्ड एक्सीलेशन 8 है और इधर 12 है, तो डिफरेंट आएगी 100%। तो कौन सी इक्वेशन लगाएं? आप इसमें लगा दीजिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ तक हमको एस पता है और नीचे के डायरेक्शन कोई पॉजिटिव ले लो तो बताइए एस कितना पता है इसका? 50/3 पता है। यू जीरो, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी रेस्ट में आकर पार्टिकल नीचे गिरना शुरू करेगा, और प्लस हाफ ए की जगह 8 आ जाएगा, और प्लस 8 आ जाएगा क्योंकि नीचे का डायरेक्शन ही मैंने पॉजिटिव लिया है, और इसको मैं लिख दूंगा टी डी का स्क्वायर। तो यहाँ से बताइए टी डी का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 50/3 इंटू 4, और ये मेरे और आपके हिसाब से कितना आ रहा है बताइए? ये आ रहा है 25/6। तो बताइए टी डी इक्वल टू आ जाएगा 5/√6 सेकेंड, सही है ना दुष्यंत? 5/√6 सेकेंड, ठीक है, 5/√6 सेकेंड, ठीक। टी ए निकला है, एस मैक्स आ गया, टी आ गया, टी डी, और रेशियो पूछा है टी अपॉन टी डी, तो यहीं पे निकाल देता हूँ जरा टी अपॉन टी डी। तो टी ए कितना जरा बताइए? 5/3, और ये कितना है? 5/√6, 5 से 5 गया, तो ये आ गया √6 टी अपॉन टी डी इक्वल टू √6/3, यह आ जाता है √2/3, ठीक, √2/3 आ जाता है, और √2/3 सर्टेनली 1 से कम होगा, और 1 से कम होगा इसका मतलब ये आने वाला समय जाने वाले से कम होगा। अभी मैं जनरल में भी समझा दूंगा, ये हटा दूं। लेकिन टी ए लिख लेना, ठीक है, इधर लिख दो कहीं पर, यहाँ पे लिख दो, ये लिख दो। टी ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3 सेकेंड। 5/3 लगभग कितना होता है? 1.5/3 ही आया, ठीक है, 1.66 सेकेंड लगभग। और टी डी कितना है? ये 5/√6, इसको आप सॉल्व कर लेना लगभग कितना आएगा, मैं कैलकुलेटर से निकाल देता हूँ ज़रा, कैलकुलेटर से निकाल देता हूँ। यह आ जाता है 2.5/2.44, √6 की वैल्यू 2.44 आती है, और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, अब इसको कर देता हूँ 5/2.44, तो 2 सेकेंड, ठीक है। तो आप देख रहे हैं असेंट का टाइम 1.66 है और डिसेंट का 2 सेकेंड है, तो ये क्लियर है टी डी ग्रेटर देन टी ए, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी और भी तरीके से समझाऊंगा इसको, पहले इतना कर लो, ठीक है। तो इसको याद तो कर ही लो कि वापस आने में समय ज़्यादा लगता है और जाने में समय कम लगता है। क्यों लगता है? अलग अलग एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन की वजह से लगता है, और उसको भी बेहतर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पूरा क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लैट बताइए क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लैट हो जाएगा सीधे सीधे टी ए प्लस टी डी हो जाएगा, ठीक। तो टाइम ऑफ फ्लैट इक्वल टू टी ए कितना था बताइए? 5/3 प्लस 5/√6 सेकेंड, ये टाइम ऑफ फ्लैट आ गया, क्लियर। फिर पूछा स्पीड विद विच पार्टिकल हिट द ग्राउंड, ये और निकाल लो जरा, निकाल दें। चलिए जिस स्पीड से पार्टिकल गिरेगा, एच मैक्स कितना आया था? हमने लिखा था क्या कितना था? शायद 50/3 मीटर था, ठीक है। अब देखिए हमको स्पीड निकालनी है जिससे पार्टिकल गिरेगा, तो अब हमको सारी बातें पता हैं। यहाँ पे 20, यहाँ पे एक तरह से u इक्वल टू 0 से छूटेगा, और ये एच मैक्स पता है, एच मैक्स जो आया वो आया था 50/3। ये a ले लो, ये v फाइंड आउट करना है, इसको b ले लो, इसको क्या ले लो? c ले लो। तो अब आप
यहाँ पे तो क्या लगेगा बताइए, जी डबल डैश कितना था 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। तो अब आप इसमें इक्वेशन लगा दो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इनिशियल जीरो, यही डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, यू जीरो ट्वाइस ए, कितना बताइए ए, कितना बताइए ए, कितना 8, वेरी गुड। और एस निकालना है, एस सॉरी पता है कितना 50/3। तो यहाँ से जो वी आ जाएगा अंडर द रूट बताइए 8 × 2 = 16 = 80, 800/3 मीटर पर सेकेंड, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, सॉरी ये आ जाएगा वी इक्वल टू 402 लिख दो इसको, तो ये आ जाएगा 20√2/3 मीटर, सॉरी हाँ सही है सेकेंड। इतना आ जाएगा स्पीड विद विच, स्पीड विद विच पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड। अब इसमें असेंट और डिसेंट के टाइम को थोड़ा समय और आपकी नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ, जरा इस पर फोकस करिए, ध्यान से सुनिए, क्लियर करें, देखिए जरा। अब जरा हम थोड़ा और डिस्कस करना चाहते हैं टी ए एंड टी डी को, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको इसी पर मिलेंगे, डायरेक्ट जो ऑब्जेक्टिव वाले मिलते हैं, मोर डिस्कशन। ऑन टी ए एंड टी डी, टी ए और टी डी पर मोर डिस्कशन। सुनिए बताइए दोनों में सेम क्या है, सेम है एच, खुद बताइए है ये, तो एच दोनों में सेम है। पहले तो ये सोचिए किससे कंपेयर करना है भाई, यहां से यहां तक जो समय लग रहा है उसका भी एच है, और यहां से यहां तक का जो समय लग रहा है एच है, उसमें टी डी है, टी डी का समय या टी ए टी डी और एच दोनों में सेम है। अब एक बात बताइए, जो बॉल ऊपर जा रही होगी लेकिन इसमें रिटार्डेशन बताइए, जब एयर लगेगा तो देखिए ऊपर जब जाएगा तो इसमें लगेगा जी प्लस ए लगेगा, ये ए क्या एयर का, एयर का रिटार्डेशन, और जब ये बॉल नीचे आ रही होगी तो जी नीचे लगेगा ए ऊपर लगेगा तो जी माइनस ए लगेगा। तो आप बताइए इसमें जो एक्सीलरेशन है वो जी माइनस ए का है और इसमें जो रिटार्डेशन है वो जी प्लस ए का है। तो एक बात बताइए कि सेम डिस्टेंस चलना है, सेम डिस्टेंस चलना है, ठीक है सेम डिस्टेंस चलना है। तो अगर या आप ऐसे भी कर लो, देखो अगर हम इसमें एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर लगा दें, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर लगा दें, या वी इक्वल यू प्लस ए टी लगा दें, या इसको ऐसे समझो कि एस सेम चलना है। तो देखिए अगर आपने यहां पर इसको जिस भी वेलोसिटी से उछाला होगा यू से, मान लीजिए यू नॉट से, तो बताइए इसमें रिटार्डेशन ज्यादा है तो इसको क्या ये बॉडी जल्दी जीरो कर देगी, ऑब्वियसली जल्दी कर देगी क्योंकि इसमें रिटार्डेशन की वैल्यू क्या है ज्यादा। और इसको देखिए अगर इसमें रिटार्डेशन कम है तो वही एच चलना है तो धीमे 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 लेकर आएगी, जबकि इसमें मोशन जितनी भी स्पीड से दोगे रिटार्डेशन ज्यादा होने से बहुत जल्दी कंप्रेस कर देगा। जैसे आप भाई दौड़ने लगे, दौड़े तो अगर आपको बहुत तेजी से कोई पीछे खींच ले तो बहुत जल्दी आप रेस्ट में आ जाएंगे, और जब आप वापस लौटे तो आराम आराम से लौट रहे हैं, क्यों अब रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड सॉरी एक्सीलेशन का कम है तो फिर थोड़ा सा धीमे धीमे आ पाएंगे। यार ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जब आप भागते हैं और आपको बहुत तेजी से कोई पीछे खींच दे तो बहुत जल्दी रेस्ट में आ गए, और अब वापस आ रहे हैं तो वापस कोई धीमे धीमे वेलोसिटी बढ़ा रहा है तो वही डिस्टेंस कवर करने में आप समय क्या ले लेंगे ज्यादा, वही डिस्टेंस कवर करने में समय क्या ले लेंगे ज्यादा। तो डिस्टेंस सेम कवर हो रहा है लेकिन एक में तेजी से खींचा गया है, रिटार्डेशन ज्यादा है तो वो जल्दी स्टॉप हो जाएगा, और एक में एक्सीलेशन कम है तो वो धीमे धीमे आएगा। फर्क किसका आ जाता है, असल में जो वेलोसिटी यहां से आपने ज्यादा दी होती है उसको ये रिटार्डेशन खा जाता है, सर्टेनली यहां की वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहां की क्या होगी कम होगी, बात क्लियर हुई, ये इसका कारण होता है। तो ध्यान रखना जिधर रिटार्डेशन ज्यादा होगा उस घटना जिधर, या ऐसे मान लो कि जिधर एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो काम जल्दी हो जाएगा, आप इसको ऐसे माइंड मेकअप कर लो, वो काम जल्दी हो जाएगा। तो इसका जल्दी होने का मतलब टी ए लेस देन क्या होगा टी डी हो जाएगा, क्लियर हुआ। अगर मैं जादुई तरीके से ऐसा कर देता कि ये कम होता ये ज्यादा होता तो फिर जल्दी कौन हो जाता, टी डी कम होता टी ए ज्यादा हो जाता, क्लियर है ठीक है। तो ये मैंने पूरा कवर कर दिया मोशन अंडर ग्रेविटी,
आप यहां तक करिए और किसी भी किताब से मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस लगाइए, आपसे होंगे। अगली क्लास में मैं प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करूंगा और एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा इनक्लाइंड प्लेन के ऊपर मोशन। पढ़ाई करते रहो, यही क्लासेस को रोकते हैं, ठीक।